तो लॉकडाउन के टाइम में भाई इस फोन ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैंने गेमिंग इसके अंदर बहुत ज्यादा की है, मतलब इतनी गेमिंग मैंने अपने आईफोन में भी नहीं कही। तो ये फोन भाई आता है स्नैपड्रैगन 870 की ताकत के साथ और इस बिछड़े हुए साथी का नाम है IQ7, जिसको मेरे कजन ने सिर्फ 14,500 रुपए में बाय कर लिया और मैंने बड़ी मुश्किलों से उससे फोन छीना है वीडियो बनाने के लिए। तो एक लाइक तो बनता है और चैनल पर पहली बार अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर 15,000 छोड़ो 20,000 वाले फोन के अंदर भी स्नैपड्रैगन 870 वाले लेवल का कोई प्रोसेसर नहीं मिलता और इस प्राइस रेंज के अंदर ये ताकत वाला फोन उसने ले लिया ना, मैंने उसके कंधे पे दो हाथ मार के कहा शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। खैर यहाँ पर इस फोन की बात करें तो इसके अंदर अपडेट का सीन कुछ ऐसा है, जितनी मेजर अपडेट मिलनी थी इसको मिल चुकी है। इसके अंदर अभी एंड्रॉइड 13 है अभी इस साल और आपको इसके अंदर सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगी, इसके अलावा वो कोई अपडेट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर सिर्फ ये कमी है इस फोन के अंदर। अदरवाइज बात करें इस फोन की तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलती है 870 की, हमें पता है कि काफी कंसिस्टेंट प्रोसेसर है और अभी भी भाई ये फोन हीट नहीं होता है। इसके अंदर मैंने गेमिंग ट्राई करी फिर से और भाई पुराने दिन लौट आए बिल्कुल, बट भाई उस टाइम पर ना पबजी बैन भी हो गया था कुछ महीने बाद, आपको याद हो तो। तो दुख दर्द पीड़ा उसको साइड करके जब हमने इसके अंदर गेम प्ले करा तो यहाँ पर फिर से भाई मजा आ गया, काफी स्मूथ परफॉर्म करता है एंड अभी भी कोई जिटरिंग लैग जैसी चीजें नहीं मिली है इस फोन के अंदर। जनरली क्या होता है दूसरी कंपनी क्या करती है, जब भी कोई नया फोन आता है तो वो पुराने फोन में अपडेट डाल के तो उसे स्लो कर देंगी या उसके अंदर जिटरिंग वगैरह आती है, वरना कुछ होगा तो मदरबोर्ड भी उड़ जाता है। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, परफॉर्मेंस अभी भी लाजवाब है। और यहाँ पर भाई आईकू ने खुद ऐसी एक चीज दी थी इसके अंदर जो कि अभी ये 30,000 वाले फोन के अंदर भी नहीं दे पा रहे, वो है हैप्टिक्स। इसके अंदर एक्स एक्सिस मोटर थी जिसकी वजह से यहाँ पर जो हैप्टिक्स थे वो काफी सॉलिड थे। अभी यहाँ पर डुअल एक्सिस लीनियर मोटर डाल रहा है आईकू, लेकिन अभी भी भाई जो इसके हैप्टिक्स है वो ज्यादा सॉलिड मेरे को लगते हैं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बाकी इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और भाई 15,000 के हिसाब से स्टीरियो स्पीकर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इसके अलावा इस फोन की डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर भाई डिस्प्ले मिलता है ओलेड पैनल, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। अब मैं 20,000 तक के फोन में जाऊं तो यहाँ पर सिर्फ Redmi Note 12 है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है जो कि ओलेड पैनल के साथ आता है जिसमें हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, बट उसके अंदर भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया। तो यहाँ पर फिर से भाई एक प्लस पॉइंट ले गया है मेरा, क्योंकि यहाँ पर 120 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, ओलेड डिस्प्ले है और ऊपर से इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। और एक काफी कमाल की बात बताऊं जो कि 20,000 तक के फोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती, आप OTT प्लेटफॉर्म पर फुल HD में तो कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो दूसरे डिवाइस में लेकिन HDR में नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर HDR कैपेबिलिटीज भी हैं OTT प्लेटफॉर्म में। तो इस बार IPL HDR में चलेगा अगर आएगा तो, वैसे 4K में तो आने वाला है ये सुनने मिल रहा है, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और इसके अंदर जो 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है भाई 15,000 के फोन के हिसाब से तोड़ू है बिल्कुल। और इसके अलावा जो सबसे तगड़ी चीज थी इस फोन की जिसको 30,000 में कोई बीट नहीं कर पाया था वो है इसके कैमरास। भाई इसकी वीडियो क्वालिटी देखो आप, अब बैक में 4K 30fps तक तो इसके अंदर स्टेबलाइजेशन मिलती है लेकिन 4K 60 के अंदर नहीं मिलती, बट भाई 15,000 के अंदर कोई फोन OIS नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर भाई इस फोन की जो फ्रंट वीडियो क्वालिटी है वो तो अच्छी है, इतना ग्लो चेहरा आ रहा है, बट इसके अंदर दिक्कत है कि इसमें फ्रंट में स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती बट बैक में मिलती है। तो फ्रंट में भले ही स्टेबलाइजेशन ना हो लेकिन यहाँ पर क्वालिटी फ्रंट कैमरे की अच्छी है और बैक कैमरे की हमने स्टेबलाइजेशन भी देख ली 4K 30 तक बहुत शानदार देखने के लिए मिली और मेरी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी भाई आज, पता नहीं क्या हो गया। इसके अलावा भाई फोटोज में भी कम नहीं है, यहाँ पर लाइट कंट्रोल अच्छा है इसका। अब मैं 30,000 से कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि 30,000 में अब थोड़ी ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर मिलता है, AI ज्यादा बेटर वर्क करता है लाइट कंट्रोल करने के लिए, बट अभी यहाँ पर मैं 25,000 तक के भी फोन से कंपेयर कर दूं ना इसके कैमरास तो बहुत ही तगड़े निकल कर आते हैं। इवन लो लाइटिंग परफॉर्मेंस भी इसके कैमरास की काफी अच्छी है एंड दी बेस्ट था जब ये फोन आया था 30,000 रुपीज में। तो कैमरा वाइज भी भाई मेरे भाई ने फिर से एक हाई ट्रिक मार ली है, मतलब कैमरा परफॉर्मेंस डिस्प्ले तीन चीज तगड़ी ले गया लड़का। अब इसके अलावा भाई 15,000 में आपको कोई फोन नहीं मिलेगा जिसमें ग्लास बैक मिलती है और इतनी प्रीमियम इन हैंड फील दी गई है। हालांकि इसका साइड का फ्रेम प्लास्टिक है जिस पर काफी विवाद भी चला था जब ये फोन आया था क्योंकि कुछ और पॉइंट मिल नहीं रहे थे ना लोगों को, बट 2 साल बाद इस फोन के अंदर जो कमी लगी, मतलब मेरे भाई ने जब ये फोन बाय किया था तो मैंने बताया था बैटरी बैकअप ठीक है एक दिन चल जाएगा, लेकिन इसके अंदर 4400 mAh की जो बैटरी है, जिसने भी ये यूज करा था शायद काफी तगड़ा ही कर लिया और ज्यादा ही चार्ज कर लिया होगा जिसकी वजह से इसकी चार्जिंग साइकिल थोड़ी सी बिगड़ गई है और इसके अंदर थोड़ा सा ना मेरे को बैटरी ड्रेन लग रहा है। लाइक मैंने कल यूज करा था जब मैं टेस्ट रन करा रहा था इसके अंदर तो 20% बैटरी तुरंत ड्रेन हो गई थी जो कि मेरे को कम लगी, बट अभी ठीक लग रही है। तो यहाँ पर अभी तक बैटरी बैकअप ओके लग रहा है लेकिन पुराने फोन के हिसाब से भाई ठीक है, 2 साल घिसा बीते हुए जिसने फोन चलाया। और यहाँ पर 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग है जो कि इस फोन को चार्ज कर देती है 25 से 30 मिनट में। और अभी देखो ना मार्केट के अंदर दूसरे ब्रांड फोन लॉन्च करते हैं 120 वॉट के साथ, इवन आईकू ने भी 120 वॉट तक के साथ फास्ट चार्जिंग दी है लेकिन भाई वो भी सेम टाइम पर ही चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूंगा मैं 66 वॉट से ही खुश हूं। तो यहाँ पर ये फोन चार्ज तेजी से हो जाता है और बैटरी बैकअप भी ठीक है, लेकिन ये पुराना फोन है तो यहाँ पर थोड़ी सी बैटरी कमजोर हो गई है। तो ऑल ओवर मैं बताऊं भाई जिस प्राइस पॉइंट पर मेरे
भाई ने ये फोन बाय कर लिया है, मैं जाकर उसे ना इसको दूंगा और ऊपर से 2000 रख के ओढ़ दूंगा कि मेरी तरफ से जा पार्टी कर, क्योंकि यहाँ पर भाई इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, डिस्प्ले अच्छी है, इन हैंड फील अच्छी है, हैप्टिक्स तगड़े हैं, स्पीकर्स तगड़े हैं, बस बैटरी वाली चीज है जो कि मैं रिप्लेस करने के लिए बोल दूंगा उसको जल्दी। बाकी आप बताना आप क्या 15,000 रुपए में इस फोन को बाय करोगे, और अगर आप बाय कर रहे हो तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको और अपडेट नहीं मिलेंगी, सिर्फ इस साल सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाली है, इसके बाद आईक्यू का इससे अपडेट से कोई नाता नहीं रहेगा। और हाँ, वैसे ये फोन ना अमेजोन पर अभी 25,000 रुपए का मिल रहा है, बट मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ अपडेट। आप OLX से सेकंड हैंड ही बाय कर लोगे, और अगर आप सेकंड हैंड बाय कर रहे हो तो एक बात का ख्याल रखना है कि फोन की हालत सही हो, क्योंकि मेरे भाई ने जो बाय करा है बिल्कुल नया ही लग रहा है, बस यहाँ पर फिंगरप्रिंट लग जाते हैं जो कि आप साफ कर सकते हो। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर, आप बताना आपको कैसा लगता है फोन और 15,000 रुपए में कैसा रहा ये फोन। तो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद HFVN बॉक्स गाइस, बाय।